सिर्फ इतना करना भाई, लॉकडाउन मत लगाना, ठीक है? कोरोना से लड़ लेंगे, मर भी जाएंगे, जैसा भी होगा। हम सबको मास लेवल पे बचाने के चक्कर में, यकीन मानिए, कोरोना होगा सिर्फ 2-5% को, लेकिन पूरा बंद करने के बाद, लॉकडाउन लगाने के बाद 100% हम सब रोड पे आ जाएंगे, ठीक है? जिसको नहीं खाना होगा वो नहीं खाएगा, जिसको नहीं जाना होगा वो नहीं जाएगा। बस हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से, लॉकडाउन मत लगाना भाई। छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, हारे हुए व्यापारी, छोटे मोटे बिजनेस कर रहे हैं, आप उनकी हालत पूछ लीजिए खाली, एक बार खाली उनके सामने लॉकडाउन जैसा शब्द बोल के देखिए, नानी माई का दूध याद आ जाता है। आप समझिए इस चीज को, इतना मुश्किल होता है, इतना इतना पेनफुल है जिसका कोई हिसाब नहीं। सारी चीजें धरी की धरी रह जाती हैं, क्लाइंट के सब काम ठप हो जाते हैं, एम्प्लॉयज की सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, तमाम वो सारे जो एक बिजनेसमैन अपने औकात से ज्यादा काम करने के लिए यहां वहां से पैसे इकट्ठा करता है, उन सबके मीटर चलते रहते हैं। मेरे जैसा व्यापारी, छोटा काम करने वाला आदमी आज 8-9 महीने में वो सारी चीजें सेटल कर पाया जो पहले और दूसरे कोरोना में गड्ढे खुद गए थे। पूरा साल तो यूं ही निकल गया, आज फिर एक ओमी कोरोना, न गोमी कोरोना, न फूड कोरोना, न ये कोरोना। मतलब कभी कभी ऐसा मन करता है ना लिटरली कि सुसाइड कर लो, कुछ बचा ही नहीं है जिंदगी में। फिर इसमें, इन सारी चीजों में दोष तो आप किसी का दे नहीं सकते, लेकिन किसको रोक पाएंगे आप? जो बच्चे आज बड़े हो रहे हैं क्या वो रुके हैं? जो समय आगे बढ़ रहा है वो रुके हैं क्या? मेरे माँ बाप जो बूढ़े हो रहे हैं क्या वो रुके हैं क्या? जिसकी तबीयत खराब हो रही है वो क्या वो रुके हैं क्या? जब रुकना कुछ नहीं है तो खाली रुकना क्या है इनकम को? मेरा इन पूरे वक्तव्य से, इस सारी चीजों से एक ही निवेदन है सरकार से, चाहे केंद्र की हो, राज्य की हो, इस मीरा भाईंदर की हो, जो भी प्रशासन में बैठा हो, बस सिर्फ इतना करना भाई, लॉकडाउन मत लगाना, ठीक है? कोरोना से लड़ लेंगे, मर भी जाएंगे, जैसा भी होगा। हम सबको मास लेवल पे बचाने के चक्कर में, यकीन मानिए, कोरोना होगा सिर्फ 2-5% को, लेकिन पूरा बंद करने के बाद, लॉकडाउन लगाने के बाद 100% हम सब रोड पे आ जाएंगे, ठीक है? जिसको नहीं खाना होगा वो नहीं खाएगा, जिसको नहीं जाना होगा वो नहीं जाएगा। बस हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से, लॉकडाउन मत लगाना भाई, वरना इस बार कोरोना से तो कुछ लोग नहीं मरे। अगर एक व्यापारी खुद किसानों की तरह अपने आप को आत्महत्या करना, आप आत्मदाह पे चले आया ना, तो मुझे लगता है गिन नहीं पाएंगे। इतिहास हमेशा गवाह देता रहेगा इस चीज को कि हम सरकार में रह के इन सारी चीजों को हम सही तरीके से नियंत्रित कर सकते थे, लेकिन नहीं कर पाए। हर 4 महीने में लॉकडाउन का खतरा, हर 4 महीने में नए नए तरीके से लॉकडाउन लगाना, बीमारी का खतरा। आप यकीन मानिए, कुछ नहीं बचा है, आदमी खोखला होते चला गया है। बस खाली अगर कुछ बचा है तो एक इच्छा शक्ति, एक मात्र ऐसा मन की ठीक है, नहीं कर लेंगे यार, कर लेंगे, कैसे ना कैसे तो कर लेंगे, इनको देखो, उनको देखो। आज मोटिवेशन लेने के लिए कुछ नहीं बचा है, ठीक है? निवेदन है आप सभी से, जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, बस इतना ध्यान देना है कि लॉकडाउन मत लगाना यार, प्लीज, निवेदन है आपसे। बाकी जय हिंद, जय महाराष्ट्र।